हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार एंड आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7 एन एलियन हैंड वाले बुक से। ठीक है, इंग्लिश वाले एन एलियन हैंड मतलब सप्लीमेंट्री वाले बुक से करेंगे। ठीक है, चैप्टर 7 एन एलियन हैंड। पुराने वाले बुक में ये चैप्टर 10 है लेकिन नए वाले बुक में ये चैप्टर 7। ठीक है, एंड मेन थिंग आज रिपब्लिक डे है तो हैप्पी रिपब्लिक डे। 75th हैप्पी रिपब्लिक डे है तो तुम लोग भाई झंडा फहराना। मैं भी फहराया हूँ, ऐसा बात नहीं फहराया हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने स्टोरी को, एन एलियन हैंड वाली स्टोरी को। बिफोर यू रीड, हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या तुमने कोई वाइकिंग मिशन का नाम सुना है मार्स के पर? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वॉज कम्पोज ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है नासा, उसने 2 वाइकिंग मिशन भेजे थे, 2 स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग मिशन भेजे थे मार्स के ऊपर। पहला था वाइकिंग 1 और दूसरा था वाइकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर। हर एक ऑर्बिटर और एक लैंडर अपने पास रखा है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्टियन सरफेस। तो जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब शुरुआत का ऑब्जेक्टिव काम है, एक तरह से गोल है, वो है कि हमें इमेजेस को ऑब्टेन करना है और मार्टियन सरफेस का, जो मार्स का सरफेस है, उसका सैंपल लेके आना है, उसका सॉयल लेके आना है, उसमें देखना है कि कोई पॉसिबल साइन है लाइफ का, जिंदगी का। ठीक है, वाइकिंग 1 वाज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975। जो वाइकिंग 1 है वो लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1975 को एंड अराइव एट मार्स ऑन 19 जून 1976। और अराइव किया 19 जून 1976 को। ठीक है, वाइकिंग टू वॉज लॉन्च ऑन 9 सितंबर 1975 एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976। जो वाइकिंग 2 है वो लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 1975 और एंटर किया मार्स के ऑर्बिट में 7 अगस्त 1976 को। ठीक है, बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डाटा ऑन द मार्टियन सरफेस। तो फोटोग्राफ्स और अदर साइंस डाटा जो मार्टिन सरफेस का लेना था, वो लेने के बाद जो 2 लैंडर से उन्होंने 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट किए कोई भी पॉसिबल साइन मिलने का लाइफ के बारे में। एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉयल नियर द लैंडिंग साइट। अभी तक तो कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस का सॉयल में, जहाँ पे जो लैंड हुआ था ये 2 स्पेसक्राफ्ट उसका। ठीक है, अब आपको क्या करना, स्टोरी पढ़ना है, वो बिफोर यू रीड था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स तो हर होते ही हैं सप्लीमेंट्री के चैप्टर में शुरू में। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू और उसके जो पेरेंट्स थे वो एक प्लैनेट के सरफेस के अंदर रहते थे, नीचे रहते थे, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन से। सेकेंड पॉइंट है, टिल्लू हैज हर्ड एंड रीड अबाउट द सन एंड द स्टार्स। टिल्लू ने सन और स्टार्स के बारे में पढ़ा था, ही हैज नेवर सीन देम, लेकिन उसने आज तक कभी नहीं देखा। थर्ड पॉइंट है, टिल्लूज फादर गोज टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज। टिल्लू के जो पापा हैं वो एक सीक्रेट पैसेज से होकर वर्क काम करने जाते थे एंड टिल्लू वॉन्ट्स टू नो ऑल अबाउट इट। और जो टिल्लू है वो उनके बारे में और चीज जानना चाहता था कि वो क्या करते हैं। ठीक है, टिल्लू हाउ ऑफन यू हैव बीन टोल्ड नॉट टू गो डैट वे। टिल्लू, मैंने तुम्हें कितने बार बोला है कि उस रास्ते मत जाया करो, बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे। लेकिन पापा उस रास्ते में हर दिन क्यों जाते हैं? बिकॉज डैट्स इज जॉब टिल्लू, क्योंकि उनका काम है टिल्लू, जॉब है। डैट्स वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, वो जो रास्ता था वो एक अंडरग्राउंड पैसेज था। ठीक है, रास्ता था पतला सा। टिल्लू फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग डैट पैसेज। टिल्लू के जो पापा है वो हर दिन जाते थे उस पैसेज से काम करने के लिए एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और हर दिन उसी डायरेक्शन से वो आया करते थे। वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, नॉट ओनली टिल्लू बट ए ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक्ड टू नो। बस टिल्लू ही नहीं, एक बड़ी कम्युनिटी जो थी उसमें बहुत सारे लोग को जानना था कि आखिर इसमें था क्या। टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द इलेक्ट सेलेक्ट यू परमिटेड टू गो डैट वे। टिल्लू के पापा को उन लोगों में से चुना गया था जो कि उस रास्ते पर जा सकें। द अवर कन्वर्सेशन इनवेरिबली टूक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर वेन एवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर। वो जो ऊपर कॉन्वर्सेशन हुआ था वो उसकी माँ और टिल्लू के बीच में हर बार हुआ करता था, जब भी उसके पापा के बारे में बातचीत हुआ करता था। ठीक है, टूडे हाउ एवर वॉज डिफरेंट। टिल्लूज फादर वॉज एन्जॉइंग
सिस्टर एट होम एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी गार्ड। आज थोड़ा दिन अलग था, टिल्लू के पापा वो एक सिस्टर मतलब एक नैप ले रहे थे लंच के बाद, क्योंकि आज उनका छुट्टी था ठीक है घर पे। और टिल्लू ने क्या किया, उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड है उसमें नज़र गड़ा के रखी, देन अपनी माँ के आंखों से बचते हुए टिल्लू ने उस फॉरेन पैसेज तक के जाने का रास्ता बना लिया। और मेटल डोर बैरिड इज एंट्री, एक जो मेटल का डोर था उसने उसकी एंट्री को बैरिड किया रोका, बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। लेकिन टिल्लू ने अपने पापा को देखा था कि वो कैसे एक स्लिप डालते थे मैजिक कार्ड के अंदर स्लॉट के अंदर, और वो फिर क्या करता था, खुल जाता था। ही डिड द सेम, उसने सेम चीज़ किया, एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली, और जो डोर है वो बिना आवाज़ के खुल जाता है। अ वेल लिट पैसेज सीम्ड टू बेकोन हिम, एक अच्छा से पैसेज दिखता है उस रास्ते पर जाने के लिए। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ द ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, उस कार्ड को स्नैच करने के बाद जिससे वो अनदर स्लॉट जो दीवार पे था दूसरी तरफ स्लॉट बना हुआ था, उससे कार्ड को लेने के बाद टिल्लू स्टार्टेड इज मार्च अलोंग जेंटल अपवर्ड स्लोप। टिल्लू ने मार्च करना शुरू किया, मतलब इधर उधर देखना शुरू किया, जो स्लोप की ओर था उसे देखना शुरू किया इधर उधर। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, उस पैसेज के द्वारा एक अंडरग्राउंड हैबिटेट के से जाते हुए वो प्लैनेट के सरफेस पे जाने वाला था। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन इफ इट वाज डे टाइम और द स्टार्स इफ इट वाज नाइट अबाउट विच ही हैड ड्रीम्ड सो मच। टिल्लू ने ऊपर देखा, ऊपर देखने को चाहा कि क्या ऊपर सन है, अगर डे टाइम रहा तो सन है, या फिर तारे उसे दिख जाए अगर रात रहा तो, जिसके बारे में उसने सुना था बहुत सारा पढ़ा भी था, बट अलास डेट वाजंट टू बी, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। टिल्लू हैज अंडरएस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, टिल्लू ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को अंडरएस्टिमेट कर दिया था। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर, सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वाज थ्रूआउटली चेक। एक इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइस जो है उसे पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, टिल्लू ने अंडरएस्टिमेट कर दिया था सिक्योरिटी अरेंजमेंट को, और उस छोटे से इंट्रूडर का फोटोग्राफ ले लिया, उसकी पिक्चर जो सेंट्रल ब्यूरो भेजा जहाँ पे उसको अच्छी से चेकिंग हुई, और उसके बाद अगर वो मुश्किल से 10 पेसेस भी लेता लेकिन एक जो स्ट्रांग एंड एक मजबूत हाथ उसको पकड़ता है पीछे से शोल्डर पे और उसे तुरंत लेके चला जाता है उसके एक सिक्योरिटी स्टाफ उसके एंग्जियस एंड एग्री मदर के यहाँ। वाइल ही वाज बीइंग स्कोल्ड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, जहाँ पे उसे डांटे जाने वाला था लेकिन उसे एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से हेल्प मिलती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, तो उसके जो पापा थे वो बोलते मुझे समझाने दो, सेड हिज फादर्स के पापा बोले वो हैड जस्ट गॉट अप, अभी वो उठे ही थे। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, ही स्टार्टेड टू स्पिन, वो समझाना शुरू करते हैं, बोलते हैं कि अगर इसे अच्छे से ब्रीफ किया जाए बताया जाए तो ये ऐसा चीज़ फिर से नहीं करेगा, तो फिर वो समझाना शुरू करते हैं। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन अ सर्फेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो डैट यू वुड रीच टू डेट, और मैं एक ऐसे जगह सरफेस पे काम करता हूँ टिल्लू जहाँ पे कोई ऑर्डिनरी पर्सन सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एयर है हवा जो है वो इतनी पतली है कि तुम सांस ही नहीं ले सकते हो, और जो टेम्परेचर वो भी बहुत गिरा हुआ है, मतलब बहुत मतलब कम रहता है जिससे कि आप फ्रीज होकर मर जाओगे। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन डैडी आप उस पर कैसे मैनेज करते हो सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन मैं वेल इक्विप्ड जाता हूँ सॉरी क्योंकि मैं वेल इक्विप्ड जाता हूँ एक स्पेशल सूट में जिसमें ऑक्सीजन का रिजर्वायर लगा रहता है। आई कैन कीप वार्म एंड माय बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट इजी फॉर मी टू वर्क ऑन द सरफेस, मेरे को गर्म कपड़े मिले जाते किए दिए जाते हैं और मैं गर्म हमेशा रहता हूँ, और जो मेरे जूते जो हैं वो भी एक स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं ताकि मैं उस सरफेस पे आराम से चल सकूँ। व्हाट्स मोर आई बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया उस पर सर्वाइव करने के लिए और चल काम करने के लिए उस सरफेस पे। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. एक time था जब हमारे जो forefathers दादा दादी थे sorry दादा और उसकी भी दादा वो क्या करते थे इस सरफेस पे आराम से रह पाते थे। Indeed they did so for millions of years. और ऐसे नहीं कि बहुत कम ही साल के लिए थोड़ा साल के लिए नहीं लाखों साल तक वो रहे थे। लेकिन समय बदलता है, द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्न्ड हॉस्टाइल, जो सन था वो अचानक से हॉस्टाइल बन जाता है, मतलब थोड़ा
आक्रमक बन जाता है। इट चेंज ओनली स्लाइटली, वो थोड़ा सा ही चेंज होता है, लेकिन वो जो चेंज था वो सफिशियंट था, मतलब पर्याप्त था कि हमारे जो प्लैनेट का नेचर है उसका बैलेंस बिगाड़ दे। ठीक है, फर्स्ट द बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले क्या हुआ कि चिड़िया एक्सटिंक्ट हो गई। द एनिमल्स फॉलोड, एनिमल भी मरने लगे। फिश कुडंट बी एट एनीमोर आइदर, उसके बाद फिश भी ज़्यादा देर तक रहे नहीं, वो भी मर गए। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, हम लोग कैसे भी अपने सुपीरियर टेक्नोलॉजी से बचते हुए रहते हैं। बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, लेकिन हमें फोर्स किया जाता है अंडरग्राउंड रहने के लिए आर्टिफिशियल कंडीशन के द्वारा। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशियंट पावर टू मेक आर लाइफ कंफर्टेबल। सोलर एनर्जी को धन्यवाद दिया जाता है क्योंकि उसने इतना सफिशियंट पावर जनरेट किया कि हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल बन गई। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन जो मशीन थे उन्हें पॉसिबल रखना होता है कि वो हमेशा गुड वर्किंग कंडीशन में हो। सम ऑफ देम आर ऑन दिस सर्फेस, आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि सरफेस पे जाकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं और उनकी सर्विस किया करते हैं। अब यहाँ पे आ गया था, डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, तो टिल्लू बोलता है कि डैडी क्या मैं आपकी इस टीम पे ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँ। ऑफकोर्स इफ़ यू वॉन्ट टू, फादर बोलते हैं कि ऑफकोर्स तुम कर सकते हो तुम अगर चाहो तो, बट फॉर डैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। उसकी माँ फिर कहती है अपने लास्ट वर्ड में कि लेकिन उसके लिए तुम एक अच्छा लड़का और जो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं वो करना होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो शुरू होता है। अब फिर से 3 पॉइंट शुरू होता है क्योंकि अब सेकंड पार्ट आ गया। द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट, जो बड़ा सा टीवी स्क्रीन था कंट्रोल रूम में वो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट दिखाता है। द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइजेस एवरीबॉडी माइंड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम लोग के बारे में किसी को पता है, किसी को जानकारी है कि अदर प्लैनेट्स में की कोई लाइफ भी है। द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क ही फाउंड अ कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, अगले दिन जब टिल्लू के पापा काम पे जाते हैं तो वो कंट्रोल रूम में फुल ऑफ एक्साइटमेंट पाते हैं। पीपल वर क्राउडेड अराउंड अ बिग टीवी स्क्रीन, इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड। अगले दिन क्या होता है, टिल्लू के जो पापा हैं वो काम पे जाते हैं, वो देखते हैं कि कंट्रोल रूम जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, लोग एक बड़े से टीवी स्क्रीन पे राउंड करके खड़े हैं और उन पे वहाँ पे एक डॉट दिख रहा था और अदरवाइज पूरा बैकग्राउंड क्लियर ही था। इट इज़ नॉट अ स्टार, वो एक स्टार नहीं है, वो अपना पोजीशन बदलते जा रहा है। हमारे कंप्यूटर ने इस ट्रेजेक्ट्री को एक चीज़ बताया है जो कि हमारी तरफ बढ़ते चला आ रहा है, जो लास्ट शिफ्ट का सुपरवाइजर था वो बताता है। अ स्पेसक्राफ्ट, टिल्लूज फादर आस्क्ड बाय नाउ ही वाज शोइंग जॉइंट बाय हिज टीम ऑन द नेक्स्ट शिप, एक स्पेसक्राफ्ट, टिल्लू के पापा बोलते हैं फिर वो नेक्स्ट शिफ्ट में अपने टीममेट से जुड़ जाते हैं। सो वी थिंक बट इट नीड वॉचिंग, अभी तो इसके बारे में सोचना ही है और देखना ही है। स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू बी हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सपेक्ट ऑन देयर प्लैनेट, एक स्पेसक्राफ्ट लेकिन वो कहाँ से आया होगा, क्या सोलर सिस्टम में और कहीं भी जिंदगी पाई जाती है, और किसी भी जिंदगी के प्लैनेट के में जिंदगी। टिल्लूज फादर रिकॉर्ड्स द एंशिएंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो, व्हेन देयर एंसेस्टर्स हैड अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम एंड हैड सर्च्ड द सोलर सिस्टम विद मैनी एंड मैनी स्पेसक्राफ्ट एंड वांडर्ड दैट वी आर इंडीड अलोन। तो टिल्लूज फादर जो है वो अपने एंशियंट डेट के जो रिकॉर्डेड आर्काइव्स थे सेंट्रल ब्यूरो में रखे हुए हैं, जो कि एंसेस्टर ने एक वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम बनाया था जिससे कि वो सोलर सिस्टम में जाकर मैनेड और अनमैनेड स्पेसक्राफ्ट के द्वारा पता किए कि कोई और प्लैनेट में भी लाइफ है कि नहीं, और पाते हैं कि वो तो अकेले ही हैं इस पूरे स्पेस में। ठीक है, नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज अंडरग्राउंड लाइफ, अब इसनी एनर्जी शॉर्टेज अंडरग्राउंड लाइफ में कहाँ ही स्पेस प्रोग्राम किसके पास होगा। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, वो दी स्ट्रेंजर्स, वो बस एक पॉइंट से देख ही सकते थे और कुछ कर नहीं सकते थे। और टिल्लूज फादर में और भी कई लोगों के रिमाइंड में ये क्वेश्चन था कि वो स्ट्रेंजर्स हैं कौन। ठीक है,
यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होता है क्योंकि यहाँ पे ये बुक से लिया गया, ठीक है। तो हमें इसके लिए पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा कि ये स्ट्रेंजर्स हैं कौन, और उसके बारे में पूरा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए तो तुम्हें बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बुक पढ़ा के मैं बुक पढ़ कर बताऊँगा नहीं, मैं जहाँ तक स्टोरी था चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में वो तो वहाँ तक समझाया, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा ही देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि क्या कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है और ये जो बुक का नाम है वो ब्रोकन फ्लूट है, उसमें ये पूरा अच्छे से दिया हुआ है, तो आप चाह करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ठीक है। वर्किंग विद द टेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, फिर मैं आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर ड्राइव लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर उसे खोल सकते हैं और वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, अरेंज द इंफॉर्मेशन एंड सजेस्टेड बिलो। तो जो निषाद है वो मिस्टर नाथ के बारे में रमेश के द्वारा क्या पाता है, अरेंज द इंफॉर्मेशन एंड सजेस्टेड बिलो। यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं उनको इन इंफॉर्मेशन को अरेंज करो और उनका आंसर लिखो, ठीक है। कि वो क्या खाते हैं, क्या कब खाते हैं, क्या पीते हैं और कब पीते हैं और वो कैसे पे करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक, व्हाई डज शी से द संडे विजिटर इज। तो मिस्टर नाथ क्यों, सॉरी, जो माया है वो क्यों कह रही थी कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रूक है, हु डज शी से द संडे विजिटर इज, और कौन कहता है कि जो संडे विजिटर है, सॉरी, जो संडे विजिटर है वो किसके आता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। क्या निषाद जो है वो माया से एग्री है मिस्टर नाथ के बारे में और वो कैसा फील करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वर्क विद लैंग्वेज है जिसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो वर्ड टिप है वो तीन ही लेटर का है लेकिन उनका उसका बहुत मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं उनको आपको मिलाना है, ठीक है, इन ये पहले वाले से दूसरे वाले में मिलाना है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर दे ही दूंगा। सेकेंड वर्ड है द वर्ड्स हेल्पर कंपेनियन पार्टनर एंड अनकॉप्लिस हैव वेरी सिमिलर मीनिंग्स बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज इन सर्टेन फ्रेजेस। जो वर्ड है हेल्पर कंपेनियन पार्टनर एंड अनकॉप्लिस उनका बहुत सिमिलर मीनिंग है लेकिन हर वर्ड को टिपिकली यूज किया जाता है हर एक फ्रेजेस में, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्या आप इन ब्लैंक्स को भर सकते हो जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड होते हैं, एक डिक्शनरी आपको इसमें मदद कर सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नाउ लेट अस लुक एट द यूज ऑफ द वर्ड ब्रेक। अब आप नीचे देखिए और यहाँ पे देखिए कि जो वर्ड ब्रेक है उसका कहाँ क्या यूज किया जा रहा है। मैच द वर्ड विथ इट्स मीनिंग बिलो और उनके जो वर्ड है उनके मीनिंग्स को आप मिलाइए नीचे जो दिए गए हैं। ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट थ्री अदर वेज इन विच टू यूज द वर्ड और आप कम से कम तीन तरीके बताइए, अदर तरीके बताइए जिससे कि उस वर्ड को यूज करने का हमें मतलब कोई तरीका मिले, ठीक है, ब्रेक वर्ड का। आगे बढ़ते होते यहाँ पे स्पीकिंग का क्या आता है जिसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन नहीं होता है, राइटिंग सेक्शन से आता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हु डू यू थिंक मिस्टर नाथ इज, मिस्टर नाथ क्या हो सकता है, अपने मतलब अपने द्वारा एक पैराग्राफ लिखो या एक से ज़्यादा पैराग्राफ लिखो उनके बारे में। वाट एल्स डू यू थिंक निषाद एंड माया विल फाइंड आउट अबाउट हिम, तुम्हें क्या लगता है कि निषाद और माया उनके बारे में पता लगा लेंगे, कैसे लगाएंगे, विल दे एवर बी फ्रेंड्स, क्या वो उनके फ्रेंड्स बनेंगे। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड राइट अ पैराग्राफ और टू टू कंटिन्यू द स्टोरी। यहाँ पे आप क्या करिए, इन क्वेश्चंस को लिखिए और एक पैराग्राफ नहीं है या इससे ज़्यादा पैराग्राफ नहीं है, एक से ज़्यादा, और यहाँ पे आप अपना कहानी कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे फनी जोक है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, ये वाला। हैव यू एवर कंडक्ट अ सर्वे, से यस नो और आई डोंट नो। तो यहाँ पे एक लड़का पूछता है, या तुमने कभी एक सर्वे कंडक्ट करवाया है, हाँ नहीं या फिर आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानती हूँ, ऐसा कहो। तो फिर यहाँ पे लड़की जो है वो ये कह देती है, यस नो और आई डोंट नो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लड़की मतलब ऐसा कहती है कि लड़का को तो भाई क्या ही कहे। आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप वन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन ईयर एंड डिस्कस द पॉइंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स। आप क्या करिए, इस क्वेश्चन ईयर को पढ़िए
और डिस्कस करिए एक छोटे से ग्रुप में इन पॉइंट्स को कि एक घर आपको सिक्योर एंड हैप्पी फील कराता है, क्या घर आपको लोन फील कराता है, मतलब अकेला फील कराता है, और ऐसे बहुत क्वेश्चन है जो कि आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स के छोटे छोटे ग्रुप्स में इसे कर सकते हैं, कौन हाँ कहता है, कौन नहीं कहता और कौन डोंट नो कहता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पीपल इन दी स्कूल योर लोकेलिटी एंड पुट दिस क्वेश्चंस टू देम। अब आपको क्या करना है, स्कूल में लोगों से कॉन्टैक्ट करना है अपने लोकेलिटी में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे, और इन क्वेश्चंस को देना है और वहाँ पे टिक मार्क कराना है उनके आंसर को जो कि रेलिवेंट कॉलम में दिए हुए हैं। और तीसरा स्टेप है कि एनालाइज द रिजल्ट इन द ग्रुप बाई आस्किंग, और फिर आप क्या करिए इन रिजल्ट्स को एनालाइज करिए बाय उनसे आस्क पूछ के, ठीक है, ग्रुप से पूछ कर, हाउ मैनी पीपल थिंक दैट अ होम इज अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी, कितने लोगों को लगता है कि एक जो होम है वहाँ पे आप सिक्योर एंड हैप्पी फील करते हैं, हाउ मैनी पीपल थिंक दैट अ होम इज एंड अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी, कितने लोग कहते हैं कि एक जो होम है वो जहाँ पे आप सिक्योर एंड हैप्पी फील नहीं कर सकते, हाउ मैनी पीपल डोंट नो अबाउट इट, और कितने लोग इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है, उनका आप बताइए, एनालिज करिए। स्टेप फोर है कि आप एक ब्रीफ ओरल रिपोर्ट प्रेजेंट करिए अपने सर्वे के रिजल्ट के द्वारा, और वहाँ पे अपने इन फ्रेजेस को यूज करिए, मोस्ट पीपल थिंक दैट, जो भी जिस पे ज़्यादा यस होगा, फ्यू पीपल थिंक दैट, मतलब यहाँ पे जो यस वाले जो इसमें कम होंगे वो वाले आपको देना होंगे, हार्डली एनी वन थिंक्स दैट और नो वन थिंक्स दैट, ऐसा आपको करके पूरा बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, पोएम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग पैन। तो यहाँ पे हम लोग इसे समझ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर मैं इसका भी दे दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ा पोएम नहीं है, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ, क्या एक सीलिंग, क्या आपके रूम में एक सीलिंग फैन है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। इज द फैन क्वाइट और नॉइजी, क्या आपका जो फैन है वो क्वाइट है या नॉइजी, अभी तो ठंडी है तो वो कुछ आवाज़ निकालेगा नहीं क्योंकि वो चल ही नहीं रहा होगा, लेकिन गर्मी में इफ इट इज नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड, और अगर वो नॉइजी होता है तो तुम्हारे को यहाँ पे श्योर हो जाना है कि यहाँ पे इस टॉकिंग फैन से कुछ रिलेटिव हो, कुछ रिलेशन होगा जो कि इस पोएम में दिया हुआ है जो कि आप अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो पोएम है उसे रीड करते भाई हम लोग। वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल ही चैटर, तो यहाँ वहाँ एक टाइम तक एक जो टॉकिंग फैन रहता था और जो उसका चैटर था, मतलब जो उसका दोस्त था वो बिजली था, ठीक है, लाइट था। आई कुडंट क्वाइट हियर वाट ई सेड एंड आई होप इट डजेंट मैटर, मैं मतलब बहुत ज़्यादा शांत, मतलब उनका बात समझ नहीं पाता था कि वो क्या कह रहे हैं, एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल हिज लिटिल बॉयलिंग मोटर, और एक लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, क्योंकि एक दिन जो होता है कि कोई आ करके उस छोटी सी व्हीर्लिंग मोटर में ऑयल डाल देता है, ठीक है, एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, क्योंकि जो सारी मिस्ट्री है ही रैन एज स्टील एज वाटर, क्योंकि जो सारी मिस्ट्री है वो स्पॉइल हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो मतलब पानी की तरह पूरा धुल जाती है, क्योंकि जो मोटर पे अगर आप तेल लगा देंगे तो वो अच्छे से वर्क करेगा, आवाज़ नहीं निकालेगा, तो जो भी मिस्ट्री थी वो स्पॉयल हो जाती है और वो पानी की तरह बह जाती है। इस पोएम को लिखे है मॉडे रूबिन ने, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक दिल्ली पूरा करा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आज हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का एक्सप्लेनेशन किया, क्वेश्चन आंसर समझ लिए, आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, जय हिंद जय भारत, बाय।